गप्टिल का तो फिर भी बल्ला चल रहा था, जेसन रॉय थोड़े से फंसे हुए खेल रहे हैं। हाँ ठीक दानिश आपने कहा, लेकिन जो क्वेटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट है, कल जिस तरह उन्होंने अपनी टीम में उमर अकमल की जगह मोहम्मद हफीज़ को इंक्लूड किया था, मैंने बड़ा आज चेक करने की कोशिश की कि क्या आज जेसन रॉय और मार्टिन गुप्टिल यही इनिंग का आगाज़ करेंगे लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़। तो इत्तला तो यही है कि यही आज इनिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं, और कोई बड़ी तब्दीली फ़िलहाल क्वेटा ग्लैडिएटर के फाइनल लाइनअप में हम देख नहीं रहे। लेकिन अभी आई थिंक मेरा ख्याल है कि आज का जो मैच है वो टोन सेट करेगा इस टूर्नामेंट की, क्योंकि अगर आज के मैच में नतीजा क्वेटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ रहा तो फिर क्वेटा और कराची का मामला एक जैसा हो जाएगा कि चार चार मैच और एक कामयाबी। लेकिन अगर आज लाहौर कलंदर को सरप्राइज़ करती है क्वेटा ग्लैडिएटर तो टूर्नामेंट बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर ख़ास तौर पर मुल्तान सुल्तान की कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि मुल्तान सुल्तान जो है वो पिंडी और लाहौर में आकर ऐसा ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये माजी रहा है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी मुल्तान में होम ग्राउंड पर बहुत अच्छा टेक ऑफ किया था और उसके बाद उनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी लाहौर और पिंडी में आकर। तो टूर्नामेंट का अगला लेग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और उसके साथ साथ अब देखना ये होगा कि ये टीमें किस तरह आगे जाती हैं। लेकिन आज का मैच जो है वो थोड़ा सा इस टूर्नामेंट की टोन इस एतबार से सेट कर देगा कि अगर आज लाहौर कलंदर की टीम का अपर हैंड रहता है तो फिर टॉप और बॉटम जो है वो खासा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आज क्वेटा ग्लैडिएटर सबको गलत साबित करती है और कॉम्बिनेशन का उनका मसला बन रहा है, लेकिन सरफराज जितनी बार भी आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि भाई टी20 क्रिकेट में किसी का कोई नंबर सेटल नहीं है, जो जिस दिन खेला वो उस दिन का राजा है। और इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टीम बुरी नहीं है, लेकिन जिन खिलाड़ियों के ऊपर आप बैंक कर रहे हैं, कल का मैच 155 रन भरे नहीं थे, लेकिन जिस तरह अकेले तो हसनैन नहीं जिता सकते थे, नसीम नहीं जिता सकते थे, लेकिन उनके स्पिनर ने जिस तरह बात बॉलिंग की है उसके साथ कैस ने या नवाज कोई एक अगर बॉलिंग कर देता तो स्टोरी डिफरेंट हो जाती। फिर कल किस्मत भी साथ नहीं थी क्वेटा के, वो जो कैच हुआ कर्टन से पाँव लग गया बंगल जई का, तो मेरा ख्याल है कि आज आपको डिफरेंट मूड में नजर आएगी क्वेटा ग्लैडिएटर। डिफरेंट मूड में नजर आएगी ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं याया हुसैनी। बट अब्दुल रजाक अगर हम क्वेटा को देखें, बेशक बैटिंग उनका मसला लगता है लेकिन उसको कॉम्पेंसेट करती हुई नजर आती है उनकी बॉलिंग लाइनअप। जिस तरह नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन बॉलिंग कर रहे हैं, कल भी हसनैन ने 4 ओवर में 1 विकेट के एवज सिर्फ 19 रन दिए, हसनैन ने 3 विकेटें हासिल की सिर्फ 13 रन दिए 4 ओवरों में, एक्सेप्शनल स्टफ। लेकिन अगर आपके दो बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और फिर साथ नवाज और कैस मिलकर कोई लगभग 100 रन दे देते हैं तो अच्छी से अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी नहीं बचा सकती आपकी टीम को। दानिश देखें, वो क्वेटा को जो प्रॉब्लम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आ रही है उसमें बैटिंग के मसले नजर आ रहे हैं। और अगर इनका आपने देखा है जो मैच कराची से जीते हैं उसमें भी 1 ओवर में 30 रन जो गुप्तल ने कर दिए वो रेयर होता है, अगर वो ना हुए होते तो ये क्वेटा कभी मैच नहीं जीत सकता था। जिस तरह ये अंडर प्रेशर खेल रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप वेट कर रहे होते हैं PSL का, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप प्रैक्टिस में छक्के मार रहे होते हैं, जब मैच में जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है, आप बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा ना डिमोरलाइज लग रही है टीम बैटिंग में स्पेशली, और बॉलिंग में इनके पास इतनी डेप्थ है कि ये 170-180 को डिफेंड कर सकते हैं, इनको भी मेरे हिसाब से फोकस है बैटिंग पे करना पड़ेगा। फोकस बैटिंग पे करना पड़ेगा जी। मैं ये चाह रहा था कि हम पूछें तो इनके पास चॉइसेस क्या है, मैं भी देख रहा हूँ इनके पास साउथ शकील एक है बैटिंग के अंदर, उमर बिन यूसुफ भी है इनके पास, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, एज एन ओपनर भी खेला है उन्होंने, और फिर बॉलिंग का थोड़ा सा इशू समझ में नहीं आ रहा सिकंदर बख्त, क्योंकि ओडेन स्मिथ आपको लगता है इतने यूटिलिटी प्लेयर हैं, ठीक है कल उन्होंने 12 गेंदों पर 25 रन बनाए बट एज अ बॉलर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रेशर ऐड कर रहे हैं नसीम और हसनैन मिलके वो ओडेन स्मिथ लेट गो कर देते। और दानिश कल उन्होंने आखिरी 7 गेंदे डॉट खेल दी, अगर वो डॉट नहीं होती तो 170 हो सकते थे। हाँ हाँ वही ना, 150 और 180 में 30 रन का फर्क है बजाय, लेकिन उसका जो असर है चेस करने वाली टीम पे वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए वो मैं ये देख रहा था कि साउथ शकील एक मुझे नजर आया, उमर बिन उमर बिन यूसुफ तो, मगर उनके पास कोई इस किस्म का स्ट्रॉन्ग कोई बैट्समैन नजर नहीं आ रहा, कोई पावर हिटर नजर नहीं आ रहा जो आके जो नीचे जो रन नहीं हो रहे उसको वो कवर कर सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये नहीं जीते आज भी तो फिर ये बहुत स्ट्रगल करेंगे। बड़ी साहब आपको याद होगा जब हम क्वेटा ग्लैडिएटर की फ्रेंचाइज पे प्रोग्राम कर रहे थे तो विल जैक्स का भी नाम आ रहा था और कुछ नए ऑप्शंस हमारे साथ शेयर किए जा रहे थे कि ये भी बॉलिंग में हमारे लिए ऑप्शंस हो सकते हैं, तो फिर क्या वजह है कि ओडेन स्मिथ को तरजीह दी जा रही है दीगर ऑप्शंस के ऊपर?
बड़ी साहब जी जी दानिश सॉरी ऑप्शंस के बारे में जानना चाह रहा हूँ सर, क्वेटा ग्लैडिएटर के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि ओडेन स्मिथ को देखकर तो मजा नहीं आ रहा, वो उस तरह प्रेशर को बिल्ड कर नहीं पा रहे जिस तरह से दीगर बॉलर्स कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए। दानिश जो मुझे एक मसला समझ आ रहा है कि इनके पास वो क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, जिस स्पिनर पे ये लोग रिलाय कर रहे थे मोहम्मद नवाज ने कल 3.3 ओवर्स में 47 रन देकर एक विकेट हासिल की है। इफ्तिखार अहमद से पूरे ओवर नहीं करवा रहे, मोहम्मद हफीज से पूरे ओवर नहीं करवा रहे, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हसरंगा को श्रीलंका क्रिकेट जो है वो एनओसी नहीं दे रहा, तो मेरे ख्याल में ओडेन स्मिथ भी इस लाइनअप में फिट नहीं हो रहे। एक इस ओडेन स्मिथ की जगह अगर आपको याद हो अनवर अली पास्ट में इनके पास होते थे, अब अनवर अली चले गए मुल्तान सुल्तान्स में, तो अनवर अली की कमी भी इनको महसूस हो रही है, एक प्रॉपर इनके पास ऑलराउंडर नहीं है। अगर हसरंगा होते तो हसरंगा अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ओडेन स्मिथ मेरे ख्याल में हमारे सर्किट में जितने अच्छे प्लेयर्स हैं शायद उतने अच्छे नहीं है। फेस वैल्यू पर वेस्टइंडीज से उनको लेकर आ गए हम, कल भी मुझे रिसेंट मैचअप्स भी देखे ओडेन स्मिथ के जो मुख्तलिफ लीग में नजर आए हमेशा खासे एक्सपेंसिव रहते हैं। कल भी जब इनको ओवर दिया आखिरी, वो ओवर मेरे हिसाब से मोहम्मद हफीज को देना चाहिए क्योंकि उससे पहले एक ओवर कराया था और सिर्फ 4 रन ही दिए थे मोहम्मद हफीज ने।